हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्विस एयर फ्लाइट 111। तो 2 वीक से मेरे चैनल पे कोई वीडियो नहीं आ रही थी, तो इसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं इन 2 वीक में थोड़ा बिज़ी था, और अब जो है जैसा कि मैंने 2 वीक का ब्रेक लिया यूट्यूब से, तो अब मेरे चैनल पे अगले 1 वीक तक डेली वीडियोस आएगी। तो आप लोग अब चिंता नहीं कीजिए, वो पूरा जो 2 वीक का मैंने ब्रेक लिया था उसको मैं अब रिकवर कर लूँगा सिर्फ 1 वीक में। आप हो सकता है 1 दिन में 2 वीडियोस भी आए इस वीक में, अगले वीक से फिर वही रूटीन चालू होगा कि 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। लेकिन इस वीक में 1 दिन में 2 वीडियो आ सकती है, ऐसा डेली तो आएगी, और 1 दिन में बढ़ भी सकता है, हो सकता है 3 ही आ जाए, 3 से ज़्यादा लेकिन एग्जिट नहीं करूँगा मैं। और सारा भी केस स्टडी ही आएगा इस वीक, ये भी एक केस स्टडी वीक होगा। अभी से आप 7 दिन ले लीजिए, और इन 7 दिन में सिर्फ केस स्टडीज़ की वीडियो आएंगी। तो चलिए हम लोग अपना आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक मेरे 200 सब्सक्राइबर नहीं करवाए। वैसे मैंने भी ज़्यादा वीडियोस आप लोग को अभी नहीं दी, तो आप लोगों ने अच्छा नहीं करवाया, लेकिन अब मैं आपको रेगुलर वीडियो दूँगा, और आप लोग भी मुझे रेगुलर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट ज़रूर से कर दीजिए आप लोग क्या और बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। तो ये जो प्लेन था, पहले मैं आपको इसके डिटेल्स दे देता हूँ जैसा मैं हर टाइम करता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पार्ट हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए पहले डिटेल्स देख लेते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो मैं इसको पहले इंग्लिश में पढ़ दूंगा, उसके बाद हिंदी में मैं इसको बता दूंगा। तो स्विस एयर फ्लाइट 111 वाज शेड्यूल्ड इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट फ्रॉम जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स टू क्वांटन एयरपोर्ट इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। दिस फ्लाइट वाज आल्सो कॉर्डेशियर फ्लाइट डेल्टा एयरलाइंस ऑन 2 सितंबर 1998 द मैकडोनल्ड डगलस MD 11 परफॉर्मिंग दिस फ्लाइट रजिस्ट्रेशन HBIWF क्रैश्ड इनटू अटलांटिक ओशन साउथ वेस्ट ऑफ द हैलिफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट एट द एंट्रेंस टू द सेंट मार्गरेटा बे नोवा स्कॉटिया। द क्रैश साइट वॉज 8 किलोमीटर्स 5 miles 4 nautical miles फ्रॉम द शोर, रफली इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द स्मॉल फिशिंग एंड टूरिस्ट कम्युनिटीज एट ऑफ पीजिस कॉवी एंड बेस बेवेस वाटर। ऑन 229 पैसेंजर्स एंड ऑन बोर्ड टू ऑन बोर्ड द MD-11 were killed, making the crash the deadliest McDonald's Douglas MD-11 accident in aviation history. तो स्विस एयर जो था, ये कंपनी था, और उसका एक प्लेन था जिसका फ्लाइट नंबर था 111, और ये फ्लाइट को टेक ऑफ करना था जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है, और लैंड करना था क्वांटन एयरपोर्ट इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। और ये फ्लाइट कोड शेयर था डेल्टा एयरलाइंस के साथ, और ये जो क्रैश का डेट है, यह है 2 सितंबर 1998। तो और ये जो क्रैश हुआ, ये हुआ अटलांटिक ओशन साउथ वेस्ट ऑफ हैलिफैक्स सैंडफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब एयरपोर्ट के बगल में है एक सी है, वहाँ पे क्रैश हुआ है। और इसमें टोटल 229 पैसेंजर्स थे, और जिसमें से कोई नहीं बचा, क्रू भी कोई नहीं बचा। ये हिस्ट्री में, एविएशन की हिस्ट्री में सबसे डेडलीस्ट क्रैश इसको माना जाता है। चलते हैं आगे। तो ये प्लेन का फ़ोटो आप देख सकते हैं, यही वो प्लेन था। चलते हैं आगे। डेट लिखा हुआ है, समरी इसका देख लीजिए आप,
इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट फेलियर ड्यू टू इन फ्लाइट फायर कॉजिंग स्पाइनल डिसोरिएशन एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। मीन्स इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे फेल हो गए थे और ये प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो गया था। सिंपल से इसका रीज़न है। और अब आगे चलते हैं। एयरक्राफ्ट टाइप है मैकडोनल्ड डगलस MD-11। एयरक्राफ्ट नेम है वॉर्ड। ऑपरेटर है स्विस एयर। IATA फ्लाइट नंबर SR-111। IAO फ्लाइट नंबर SWR-111। कॉल साइन है स्विस एयर 111। रजिस्ट्रेशन नंबर है HBIWF। रजिस्ट्रेशन हो गया। फ्लाइट ऑरिजिन है जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क USA। डेस्टिनेशन था जिनेवा एयरपोर्ट स्विट्जरलैंड। टोटल पैसेंजर्स 229 और उसमें से क्रू थे 14 और सर्वाइवर बचे 0। ये आप लोकेशन देख सकते हैं। और ये था द अब स्कूल पहले इंग्लिश में उसका नहीं बोलता। द सर्च एंड रेस्क्यू रिस्पॉन्स क्रैश रिकवरी ऑपरेशन एंड इन्वेस्टिगेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा टुक मोर देन 4 ईयर्स एंड कॉस्ट इज कैनेडियन डॉलर 57 मिलियन। द इन्वेस्टिगेशन कैरियड आउट बाय द ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कैनेडा TSB कंक्लूडेड डैट द फ्लेमेबल मटेरियल्स यूज इन द एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर अलाउड अ फायर टू स्प्रेड बियॉन्ड द कंट्रोल्स ऑफ द क्रू रिजल्टिंग इन द क्रैश ऑफ द एयरक्राफ्ट। सेवरल वाइड रेंजिंग रिकमेंडेशंस वर मेड विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड विद न्यू US फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड्स। स्विस AAA वॉज ऑल्सो नोन एज द UN शटल बिकॉज इट्स पॉपुलरिटी विद यूनाइटेड नेशन ऑफिशियल ट्रैवलिंग बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू बिग सेंटर्स। द फ्लाइट ऑल्सो कैरीज बिजनेस एग्जीक्यूटिव साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स। तो बेसिकली इस जगह पर क्या लिखा हुआ है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन क्रैश का जो हुआ वो किया था गवर्नमेंट ऑफ कैनेडा ने और टोटल इसमें खर्चा है $57 मिलियन का। और इसका जो इन्वेस्टिगेशन किया वो था ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कैनेडा TSB। ये ऑर्गेनाइजेशन है उसने किया था। और सेवरल वाइड रेंज रिकमेंडेशंस वर मेड बाय विच बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यू US फेडरल एविएशन स्टैंडर्ड। और इस अगले पेज में लिखा हुआ है कि स्विस एयर फ्लाइट 111 को UN शटल भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत पॉपुलर था यूनाइटेड नेशंस में और इसको यूज़ किया जाता था दो बड़े सेंटर्स में ट्रैवल करने में। और द फ्लाइट ऑल्सो कैरीड जो फ्लाइट था वो बिजनेस एग्जीक्यूटिव साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को भी साथ में ले जा रहा था। तो अब मैं आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्लेन के साथ हुआ क्या कि इस हर जो भी प्लेन क्रैश होता है उससे हम लोग को कुछ सीख मिलता है। हम लोग इसके क्रैश के डिटेल से कुछ सीखते हैं। पर इस प्लेन के साथ हुआ क्या कि इसका जो CVR था मीन्स कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो काम करना बंद कर दिया था 6 मिनट पहले। मीन्स द CVR द फ्लाइट द कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर स्टॉप वर्किंग बिफोर 6 मिनट्स ऑफ क्रैश। तो मैं अब इस वीडियो में इंग्लिश में बोलूँगा और हिंदी में बोलूँगा, दोनों लैंग्वेज में एक ही वीडियो में मैं बताऊँगा ताकि जो इंग्लिश से देख रहे हैं वो इंग्लिश समझ में आ जाए, जिनको हिंदी आता है उनको हिंदी समझ में आ जाए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन पूरे क्रैश को लेके जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना था उसको कलेक्ट करने में कम से कम 2 ईयर्स का टाइम लगा। और जो 2 ईयर्स का इसलिए टाइम लगा क्योंकि ये जहाँ पर क्रैश हुआ था वहाँ पर ये प्लेन कम से कम 2 मिलियन टुकड़ों में बट गया था। मीन्स दैट टू कलेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लेन इट टुक 2 ईयर्स। 30 इन्वेस्टिगेटर्स वर हायर्ड टू इन्वेस्टिगेट दिस केस। मीन्स 350 इन्वेस्टिगेटर्स जो कि इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को उनको हायर्ड किया था इस केस को सॉल्व करने के लिए। इस फ्लैट का नंबर जैसे मैंने बता दिया 111।
इसका डेट था 2 सितंबर 1998। तो ये जब उड़ान भरने का इसका समय था 8:20, द टेक ऑफ टाइम वॉज 8:08 PM 20 मिनट्स। और इस प्लेन को उड़ान भरना था जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यूयॉर्क, जाना था जेनेवा एयरपोर्ट स्विट्ज़रलैंड। दिस प्लेन हैव टू टेक ऑफ फ्रॉम द जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन US एंड लैंड इन जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एयरपोर्ट। आफ्टर 13 मिनट्स ऑफ टेक ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ ट्यूनिंग। मीन्स ये फ्लाइट के टेक ऑफ के 13 मिनट बाद यहाँ पे रेडियो कम्युनिकेशन रुक गया था ETC से फ्लाइट का, क्योंकि ये ट्यून हो गया था। तो ये उतना बड़ा कोई रीज़न नहीं है, ये एक छोटा सा था। उसके बाद इस प्रॉब्लम को वहीं पे सॉल्व कर लिया गया, उसके बाद प्लेन अपने जर्नी के लिए निकल गया। उसके फिर 5-6 मिनट बाद कॉकपिट में स्मोक भरना चालू हो गया। जब वो एयर होस्टेस और जो क्रू थे उन्होंने पूरे प्लेन को चेक किया कि स्मोक आ कहाँ से रहा, तब पता चला ये स्मोक एयर कंडीशनिंग से होते हुए पूरे प्लेन में एंटर कर रहा है। 4 मिनट के बाद जब ये स्मोक आने लगा, उसके 4 मिनट बाद स्मोक इतना बढ़ गया कि पूरे पायलट को स्मोक दिखने लगा था और सब लोगों को स्मोक दिखने लगा था जो भी प्लेन में बैठे हुए थे। उसके बाद पायलट ने ATC को कॉल किया, पैन। अभी तक पायलट्स ने मेडे कॉल नहीं किया, मीन्स इमरजेंसी कॉल नहीं किया था, अभी पैन ही कॉल किया था। उसके बाद पायलट ने ATC से कहा कि हम लोग को बॉस्टन एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करना है। तो जो ATC था उन्होंने बोला कि आप यहाँ नहीं, आप हैलीफैक्स एयरपोर्ट पे लैंड कर लीजिए। और ये जो ATC थे ये अपने तरफ से सही थे, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो बॉस्टन एयरपोर्ट है वो था 433 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, मतलब 433 किलोमीटर्स दूर था ये एयरक्राफ्ट करंट पोजीशन से। और जो हैलीफैक्स एयरपोर्ट था वो था 122 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द एयरक्राफ्ट। मीन्स डैट कि जो हैलीफैक्स एयरपोर्ट था वो 122 किलोमीटर ही दूर था प्लेन से। तो ये तो एकदम अच्छी बात थी कि उनको और ज़्यादा समय मिल रहा था, मीन्स अपने प्लेन को लैंड करने के लिए, जल्दी से जल्दी इमरजेंसी सिचुएशन में लैंड कर सके वो लोग। इसके लिए पायलट ने उनसे सजेस्ट किया कि आप 122 किलोमीटर में आपका हैलीफैक्स एयरपोर्ट आता है, आप वहाँ पर लैंड कर लीजिए। और उसके बाद जो वहाँ के ATC थे उन्होंने हैंडओवर किया कॉल को हैलीफैक्स को, सारे बात बता दें। और हैलीफैक्स ATC ने बताया कि आप आगे जाके फ्लाई कर लीजिए, 120 किलोमीटर आप फ्लाई कर लीजिए, उसी दौरान आप फ्यूल डंप कर लीजिएगा। तो ATC ने ये 120 किलोमीटर जाने इसलिए बोला ताकि जो प्लेन है वो एकदम एक ग्लाइड स्लोप होता है लैंडिंग करने के लिए, ये नहीं होता है कि ऊपर से आप जा रहे हैं 6000 फीट से एकदम नीचे आ गए वर्टिकल लैंडिंग मार लिए जैसे गेम में होता, वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है। उसके लिए ग्लाइड स्लोप होता है जो कि पायलट्स को एक लैंडिंग पाथ होता है, प्रोसीजर होता है जिसको पायलट्स को फॉलो करना पड़ता है लैंड करने के लिए। उससे अगर पायलट्स आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है रनवे के आगे जाके प्लेन रुके, अगर पहले करते हैं तो हो सकता है प्लेन रनवे से पहले ही लैंड हो जाए और क्रैश हो जाए। तो ये जो था जब हैलीफैक्स ATC से जब बात हो रहा था तो प्लेन एयरपोर्ट से सिर्फ 50-60 किलोमीटर दूर था, जबकि इसको रहना चाहिए था 170 किलोमीटर अवे। क्योंकि अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ कि एक वीडियो में बनाऊँगा तो उसमें रहता है कि लैंडिंग के टाइम के जो भी आप जहाँ से डिसेंड करना स्टार्ट करना, मीन्स आप नॉर्मल फ्लाई कर रहे हैं ठीक है, तो आपको डिसेंड करना होगा लैंड के लिए, तो आप एयरपोर्ट से कितनी दूरी पे करेंगे, तो उसका एक फार्मूला होता है। तो मैं आपको वो फार्मूला दिखा रहा हूँ, उसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इस प्लेन को
जो 50-60 किलोमीटर अवे था एयरपोर्ट से, उसको 170 किलोमीटर से अवे होना चाहिए था अभी एयरपोर्ट में। इसलिए एयरटीसी ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप 120 किलोमीटर चल जाएं। और क्योंकि अभी उड़ान का भी एक घंटा ही हुआ था, 1 आवर हुआ था, तो आप जाते जाते, क्योंकि विंग्स भारी होगा, फ्यूल ज़्यादा होगा, तो एकदम पॉसिबिलिटी है कि विंग्स में पूरा फ्यूल भरा ही होगा पूरे ट्रिप का, तो उस फ्यूल को आप डंप कर दीजिए ताकि एक्सीडेंट का जो पॉसिबिलिटी हो और कम हो जाए। तो यही कहा, तो आप देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि एयरक्राफ्ट को डिसेंट कैसे करें, क्योंकि ये आप लोगों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है इससे, ताकि आपको पूरा चीज़ इसका समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। तो उससे पहले आप ये देख लीजिए, मैंने जो ATC का बताया था, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट है, तो यहाँ से ये प्लेन यहाँ तक पहुँच चुका था। तो इसको जो था, इसको यहाँ हैलिफैक्स एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे पायलट ने उसको जाने को कहा, जो कि 122 किलोमीटर से अवे था एयरक्राफ्ट से, और वो 433 किलोमीटर अवे था, तो पायलट ने नहीं किया। और अभी मैं एक दो पिक्चर्स आपको और दिखा देता हूँ, वो फार्मूला बताने से पहले, कि जो इस प्लेन को कलेक्ट जब किया गया, तो ये प्लेन का जो असेंबलिंग था, वो उसका पिक्चर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, बहुत मुश्किल से इन्वेस्टिगेटर्स ने इस प्लेन को सी से निकाल के वापस से अपने रियल पोजीशन में ला के सेट किया, ताकि उनको पता चल सके कि रियल जो हुआ सिचुएशन उस टाइम फ्लाइट में वो क्या था। तो एक फ़ोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फ्रंट फेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर साइड से आपको दिख रहा होगा। हाँ, और अब आ जाते हैं ये फार्मूला पे। तो जैसा कि यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल लिया कि अगर प्लेन 40,000 फीट पे है, तो उसको 1,000 फीट इक्वल्स टू 3 नॉटिकल माइल्स, तो 40×3=120 नॉटिकल माइल्स। तो ये वाला आप साइड में हटा दीजिए, 4,000 फीट वाला, आप चलते हैं प्रेजेंट सिचुएशन पर, जो कि ये है। तो मान लीजिए हम लोग चलते हैं कि 1,000 फीट को पायलट्स लेते हैं 3 नॉटिकल माइल्स, तो जो प्लेन था वो था 21,000 फीट पे, तो 21×3 नॉटिकल माइल्स, जो कि हो जाता है 63 नॉटिकल माइल्स। तो अब 100 फीट इक्वल्स टू 3 नॉटिकल माइल्स हो गए, तो 21,000 फीट इक्वल्स टू 21×3=63 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 1.80। तो यहाँ पे हो गया 63 नॉटिकल माइल्स। और अब आगे, तो एक नॉटिकल माइल मीन्स 1 नॉटिकल माइल जो इक्वल होता है, वो होता है 1.85 किलोमीटर्स। मीन्स अगर आप 1.85 किलोमीटर्स जाएंगे, तो आपका वो 1 नॉटिकल माइल्स होगा। तो जैसा कि यहाँ पे आप सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन है कि 63 नॉटिकल माइल्स था, तो 63 जो था 1.8, क्योंकि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर, तो 63×1.85 किलोमीटर इक्वल्स टू 117 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आप पूरा सिचुएशन देख सकते, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए। तो 117 किलोमीटर से इनको जाना था, और अब आप सोच रहे हो कि ATC ने तो आपको 120 किलोमीटर से आगे जाने को बोला, जबकि जाना तो था 117 किलोमीटर। तो अब इसमें फर्क यह आता है कि पायलट अपना जो एयरक्राफ्ट है, उसको ले तो जाएगा 120 किलोमीटर, 17 किलोमीटर जाएगा, लेकिन फिर प्लेन को टर्न भी तो करवाना है, उससे टर्न करवाने के लिए 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा बताया गया, और इसमें कुछ नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? तो इन्वेस्टिगेशन में फिर पता, तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि जब ये वो जो प्लेन था ATC ने जब बोला 120 किलोमीटर से जाने को, तो ये प्लेन जा रहा था, तो वहीं पे रास्ते में ही उस प्लेन के साथ हुआ क्या कि अचानक से पायलट ने ATC को मेडे 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 मींस एमरजेंसी कॉल किया ATC को, और वो एकदम लास्ट वॉइस था, उसके बाद वो क्रैश हो गया और 2 मिलियन टुकड़ों में वो प्लेन बट गया। तो यहाँ तक था पूरा कहानी। तो अब चलते हैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की टीम ने जो सबूत देखे, जो FDR फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर उनको जो मिला था, क्योंकि CVR तो काम करना 6 मिनट पहले ही बंद कर दिया, तो उसको कुछ पता होगा नहीं। तो FDR की तरफ चलते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर की तरफ। तो उसमें इंफॉर्मेशन जो मिला वो ये था कि
जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एयरक्राफ्ट में होता है उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगा था, जिसकी वजह से थोड़ी सी आग लग गई थी। तो उस आग का जो धुआं था वो धीरे धीरे बढ़ रहा था एयर कंडीशनिंग से होते हुए कॉकपिट की तरफ। तो कॉकपिट की तरफ वो जैसे ही बढ़ने लगा तो पायलट्स को पता चला, तो फिर उन्होंने सर्च किया। तो पायलट्स के मैनुअल बुक में दिया क्या जाता है कि जब ऐसा हो तो जो भी फालतू के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं उनको ऑफ कर दें। पायलट्स ने ठीक ऐसा ही किया, लाइट्स को ऑफ कर दिया, ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया, बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स को ऑफ कर दिया जो फालतू का खा रहे थे बैटरी। बैटरी उसको नहीं बोलेंगे, मीन्स जो आग लगने में जो ज़्यादा मदद कर सकते थे तो उनको ऑफ करवा दिया गया। तो पायलट ने वही किया, और उसने उसके बाद किया क्या पायलट ने कि एयर कंडीशनिंग को पायलट्स ने, तो पायलट ने जो एयर कंडीशनिंग था उसको ऑफ कर दिया। तो एयर कंडीशनिंग ऑफ करने से हुआ क्या कि जो एयर था वो कॉकपिट में और एकदम तेज़ी से बढ़ने लगा, और धुआं अपने साथ एक हीट एनर्जी को भी लेके चलता है। तो जो हीट एंड स्मोक होता है वो एक हीट एनर्जी को भी लेके चलेगा। तो वो एक हीट एनर्जी जो था वो हीट लग गया आग में चेंज हो गया, मीन्स ही टर्न्स इनटू फायर। जो गर्मी था उसमें वो आग में बदल गया, जिसके वजह से एकदम बहुत ज़ोर की आग लग गई कॉकपिट में, जिसके वजह से पायलट्स जिंदा ही जल गए और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होके क्रैश कर गया। तो ये मैकडोनल्ड डगलस का प्लेन था। तो ये जो प्लेन था का कंपनी था, ये ज़्यादा अपने प्लेन को एडवांस नहीं कर पाया टेक्नोलॉजी के साथ, बढ़ते सिचुएशंस के साथ, मॉडर्न पीरियड मॉडर्न टाइम के अनुसार, इसलिए ये दिक्कत हुआ। क्योंकि मॉडर्न प्लेन्स में एक सिस्टम होता है कि कॉकपिट में अगर धुआं बढ़ेगा तो वो कैब कॉकपिट से होते हुए कैबिन से होते हुए आउटफ्लो बल्ब से निकल जाएगा, तो पायलट्स को और ज़्यादा टाइम मिल जाता। और यही जो थोड़ा सा टाइम मिल जाता अगर उस टेक्नोलॉजी वो रहता उस प्लेन में, तो आज ये क्रैश नहीं होता, ना मैं इसके ऊपर आज ये वीडियो बनाता। तो ये सिर्फ उस टेक्नोलॉजी की वजह से इतना सब कुछ हुआ इस प्लेन के साथ, और डेडली उस क्रैश में ये प्लेन शामिल हुआ, जो कि नहीं होता अगर जो कंपनी था जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था वो अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर लेता। यही हुआ कि उसमें ये फीचर नहीं था, इसलिए जो कॉकपिट का धुआं था वो कॉकपिट में ही रहा, और वहीं पे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हीट से फायर में चेंज हो गया, आग जो है सबको जिंदा जला ले गया, प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, क्रैश हो गया। तो पूरा केस स्टडी मैंने आपको बता दिया है, टोटल सिचुएशन यही है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।